नमस्कार दोस्तों, अब हम आप लोग के सामने जो प्रैक्टिस चल रहा था सीजीएल वाला 2021 का आगे का क्वेश्चन हम करवाएंगे आज। कल हम लोग 10 नंबर तक देख चुके थे, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ज्योमेट्री का, सारा क्वेश्चन आपको एकदम दिखाएंगे बोर्ड पर करके, किस लेवल से कुछ लेवल तक का पूछा हुआ है। कल का क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, और आज का क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ठीक है, ध्यान से देखिए। ठंडा भी काफ़ी है, कहता है किसी वृत्त में, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर जीवा वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। जो है किसी वृत्त में दिया हुआ है, वो एक सर्कल बनाइए आप, है ना, एक सर्कल बनाइए, और सर्कल में कहता है 10 सेंटीमीटर लंबा जीवा है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लंबा, और ये सेंटर है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये सेंटर से ये जो है यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर का, और ये पूरा का पूरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए, ये पूरा का पूरा 12 है, और हम लोग थ्योरी पढ़े हैं क्या, अगर सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो जीवा दो इक्वल पार्ट में बट जाता है, मतलब जीवा जो 10 सेंटीमीटर है ये पांच पांच में बट जाता है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं तो ये हमारा रेडियस आ जाता है। तो बताइए 12 का 90 डिग्री, और 12 और 5 जो होता है रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस बराबर हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13, और ये हमारा रेडियस आ जाएगा। तो पूछ रहा है वृत्त के व्यास की लंबाई निकालिए, तो व्यास जो होता है डायमीटर बराबर होता है 2r, 2r का जो वैल्यू होगा 26 हो, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले। अब फिर से एक वही क्वेश्चन है, कहता है एक जो जीवा बनाए और किसका लंबाई कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है, तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, देखिए ये सेंटर है, और इस बार ये दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है 25/2, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ है डायमीटर, और जब डायमीटर देता है तो रेडियस को हाफ कर देते हैं। पूछ रहा है यहाँ से इसका लंबवत दूरी, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, x बस कैलकुलेशन है, ये पूरा का पूरा है कितना 21, तो ये कितना हो जाएगा हाफ आधा 21/2 हो जाएगा, 21/2, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 25/2 का स्क्वायर, ठीक है, 25/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करने आता होगा तो क्योंकि ये बराबर होता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कैलकुलेट करने के लिए आता होगा तो 625 माइनस यहाँ से आ जाएगा 441/4, और इसका अंडर रूट अगर हम इसको घटा लें तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2 में से 4 तो घटता नहीं है, तो आ जाएगा 8, और ये यहाँ से आपका कट घट के आ जाएगा 184/4, ये आ जाएगा हमारा 184/4। अब देखिए यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है, तो अब आंसर जो दिया हुआ है वो रूट अंडर में दिया हुआ, और ये कैंसिल कराइएगा तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और तो क्या कितना 6 बार में, तो रूट अंडर 46 कैलकुलेशन करना आना चाहिए, रूट अंडर 46 आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी इजी दे देता है और कभी कभी कैलकुलेटिव दे देता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुना भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि यहाँ पर 21 दे दिया था, 25/2 दे दिया था, कैलकुलेट किए तो इस तरह से आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और सी डी व्यास के विपरीत भुजाओं पर दो समानांतर जीवा है। क्वेश्चन ये भी देखिए एग्जाम में रेगुलर आता है, कहता है एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल में एक सेंटर होता है और सेंटर के दो दो जो है ना विपरीत साइड में आपका दो कोड खींच दिया गया, दो जीवा खींच दिया गया जिसमें नाम रखा है ए बी और सी डी, है ना, ए बी नाम रखा है और सी डी भी नाम रखा है, दो जीवा है। आगे क्या कहता है ए बी का लंबाई दिया हुआ है, ये तो पूरा का ऊपर वाला का 12 दिया हुआ है, नीचे वाला का 18 दिया हुआ है। जो लिखा है पहले क्वेश्चन को लिख दिया करिए, उसके बाद आगे देखेंगे क्या कहता है। जीवा ए बी और ए बी और सी डी के बीच की दूरी 15 दिया हुआ है। यहाँ से आपको एक और चीज दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 15, ये 15। अच्छा हम आपको एक बात बताते हैं, मैंने बोला था अगर ये सेंटर है और सेंटर से यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, मतलब ये 18 था तो ये 9 हो जाएगा और ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, अगर मैं बात करता हूँ तो ये इस ट्रायंगल का भी रेडियस ये होगा और इस ट्रायंगल का भी रेडियस यही होगा, ये रेडियस दोनों ट्रायंगल में रेडियस सेम होगा, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक से आता हूं तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर से आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो अब आप सोचिए कि कैसे लिखेंगे कि आर स्क्वायर आ जाए, तो यहां पर 6 है और यहां पर 9 है, तो यहां पर 6 कर देते हैं और यहां पर 9 कर देते हैं, तो 9 और 6 15 भी हो जाता है और इस तरह से ये रेडियस भी मेरा हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दोनों में सेम आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको इजी वे में बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहेंगे, एक का वैल्यू x लिखिएगा तो दूसरा का 15 माइनस x और फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ही निकालना है आपको, तो वृत्त की त्रिज्या भी इजी से निकल गया, देखिए इस कंडीशन में निकालिए या फिर इस कंडीशन में, तो रेडियस बराबर रूट अंडर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8 × 3 = 11, रूट अंडर 117, रूट अंडर 117, ठीक है। अब यहां से देखिए ये आ जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि रूट अंडर 117 जो होता है 9 × 13 होता है और ये इसको करिएगा तो 3√13 आएगा, इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन को अगर सही ढंग से पढ़ेंगे और सही तरीके से काम करेंगे तो आराम से बनेगा, अगर मैं उसे लेंदी बनाना चाहूंगा तो लेंदी भी बनेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको कैसे यूज करना है ये सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू सर्किल्स रेडियस 18 सेंटीमीटर और दो गो सर्किल है, कहता है 18 सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर दो सर्किल बनाया गया जो एक दूसरे को कट करता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई भी दिया हुआ है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालिए। देखिए एक सर्कल हम ये बना लेते हैं, एक और सर्कल बनाने के लिए बोला है तो एक और सर्कल बना लेते हैं, तो इसका सेंटर ये होगा और इसका सेंटर ये होगा मान लिया जाए, यहां से इसको मिलाएंगे तो इसका रेडियस दिया हुआ है आपका सबसे बड़ा का रेडियस दिया हुआ 18 और इसको यहाँ से मिलाइएगा तो इसका रेडियस दिया हुआ है 60 और इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब ये कॉमन कोड कौन सा कहलाता है, तो कॉमन कोड कहलाता है ये वाला हमारा, ये पूरा कॉमन कोड है, जो व्हाइट से खींच दिए हैं वो कॉमन कोड है, मतलब इस सर्कल का भी कोड ये है और इस सर्कल का भी कोड ये है, तो इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ जीव, और इसकी लंबाई दे दिया है आपको कितना 20 दे दिया है, देखिए 20 दे दिया तो ये क्या होता है, ये आधा आधा बट जाता है तो ऊपर हो जाएगा 10। अब हमसे पूछ रहा है कि आप हमको क्या बता दीजिए दोनों सेंटर के बीच की दूरी, O1 O2 के बीच की दूरी। अब दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकालने का मतलब इसका दूरी प्लस इसका दूरी निकालेंगे,
और यहाँ ये 90 डिग्री होता है, बीच में क्या होता है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो ये 18 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, फिर इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। और ये अंडर रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट में। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 10 का स्क्वायर 100 यानी 224 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 और 10 का स्क्वायर 100 तो 156 156, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि किससे कौन कट रहा है, ठीक है। तो 24 में देखिए कौन सा आ जाएगा, यहाँ से 9 चौका 36 होता है यानी आंसर आ जाएगा, और 6 चौका 24 ये आ जाएगा रूट अंडर 16 गुना 14 और ये आ जाएगा 4 गुना 39 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 14 में से बाहर आएगा तो 4 रूट 14 और ये इसमें से बाहर आएगा तो 2 रूट 39 और हमारा आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर 1। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है उसको देखना होगा, हम लोग कर लेंगे। तो बस ये मेन रूप से समझना है, इसमें कंडीशन जो समझना है वो कंडीशन ये होता है कि यहाँ से इसका रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस होता है और यहाँ से जब हम कोड खींचते हैं तो यहाँ 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री जो कोड का काम है दो इक्वल पार्ट में बांटना, जो कोड होगा वो दो इक्वल पार्ट में बटेगा यानी 20 हो जाएगा 10। अब यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखा जाए। कहता है वो केंद्र वाले वृत्त में AB और CD व्यास के AB और CD व्यास के एक ही पक्ष पर दो समानांतर जीवाएं हैं, एक ही साइड में इस बार है। पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए उसमें दोनों साइड में था, इस बार एक ही साइड, इस बार एक साइड है, ये मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर है तो एक ही साइड है तो मान लिया जाए। पहला एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, AB 12 और CD 18। ये देखिए छोटा वाला 12 हो जाएगा तो AB 12 दिया है और CD 18 दिया, जो पूछ रहा है उसको लिख दीजिए। और अगर मैं इसे ऐसे मिलाता हूं तो ये हो जाएगा पूरा 12 वाला 6 और 18 वाला 9, ठीक है। 18 वाला हो जाएगा 9 और 12 वाला 6। अब कहता है बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, दोनों का जो बीच का ये वाला डिस्टेंस जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो इसका रेडियस होगा और जो इसका रेडियस होगा फिर से वही कहानी होगा, दोनों सेम होगा। मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका, इसका रेडियस भी आर और इसका भी रेडियस आर, और यहाँ से हम लोग ये जो दिया हुआ है ये पूरा 9 और ये भी 9 हो जाएगा। अब देखिए पहला जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसमें से यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ और ये वाला पार्ट को मान लीजिए एक्स, क्या मानेंगे एक्स। और इस वाले ट्रायंगल में देखिए आर का स्क्वायर बराबर होगा 9 का स्क्वायर प्लस वाट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस वाट का स्क्वायर, कहने का मतलब हुआ। और इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी सेम कहानी मेरे हिसाब से आना चाहिए और आपका आना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे एकदम आराम से करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर का आ जाएगा कितना, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। फिर से अगर बोला जाए इस आर का स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे 9 का स्क्वायर प्लस और ये एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका तोड़ेगा तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9,
इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 और 9 45, 36 और 9 45, 45 इधर आके घटेगा तो 6x का जो वैल्यू मिलेगा 81 माइनस 45। 11 में से 5 गए बढ़ घटता है 6 होता है, और ये 7 में से 4 घटता है 3 होता है, 36 देखिए 6 से कट गया और x का जो वैल्यू मिल गया मुझे वो कितना मिल गया 6। अब देखिए एक चीज, अभी हम जस्ट अभी आपको ये सोल्व करके बताए x का वैल्यू 6 मिल गया। इस तरह से x का वैल्यू कहीं भी पुट करेंगे, जैसे यही पुट करेंगे तो r इक्वल टू मेरा हो जाएगा r स्क्वायर बराबर कितना 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा मेरा, जो कि जस्ट पहले भी आ चुका है हम लोग का 117 हम लोग निकाल चुके थे, कहाँ गया 3√, यही सेम क्वेश्चन था, आंसर भी सेम है, देखिए आंसर भी सेम है और क्वेश्चन भी सेम था। अब इसको हम इस शॉर्ट में कैसे बताते हैं, शॉर्ट में भी बताना था तो इसको देखिए, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ 9 का स्क्वायर है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ भी कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं एक साइड 9 का स्क्वायर और दूसरे साइड 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कैसे, एक में 9 दिया हुआ है दूसरा में 6 का दिया हुआ है, इसमें भी तो 9 हो जाएगा अगर इसमें 6 रखा जाए, तो ये 6 और 3 9 और ये इसमें भी 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि 9 ये इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग बनाए हैं, पिछला क्वेश्चन में अपोजिट साइड था उसमें भी लिखे थे वही बात 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो दोनों में यही स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और डायरेक्ट आंसर होगा, इतना कैलकुलेशन करने की झंझट नहीं होगा, ठीक है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस जो पार्ट दिया हुआ है वो दोनों पार्ट का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा और रेडियस आ जाएगा, और हमारा रेडियस ही पूछ रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट अंडर, इसका वैल्यू आता है 117 और इसको रूट अंडर करते हैं तो 3√39 आंसर। आगे बढ़े जाए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास, देखिए एक पहले सर्कल बनाइए बड़ा सा, अब उसमें कहता है ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी व्यास है, अगर मैं यहां से यहां तक खींच दूं तो ये हो जाएगा मेरा ए और ये हो जाएगा डी और यहां पर इसका सेंटर है मेरा ओ, ठीक समझ में आ रहा होगा। आगे पर देखिए क्या था, एसी जीवा है, जो एसी पर बिंदु एसी दिया हुआ, अब यहां से खींचना है जीवा, या तो हम इधर खींच सकते हैं या तो इधर खींच सकते हैं, चलिए कहीं इधर ही खींच लेते हैं, एसी मेरा जीवा है। आगे देखिए क्या कहता है, बिंदु बी पर इस प्रकार है कि ओ बी, अब यहां पर देखिए बी पॉइंट एगो कोई दे दिया, बोला कि बी एगो पॉइंट ले लीजिए और यहां से इसको मिला दीजिए, तो और ओ बी का वैल्यू ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 7, हम नहीं बोल रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है कि ओ बी इक्वल टू 7 और लिखा है ओ बी ए बराबर 60, ओ बी ए ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और कौन सा एंगल दिया हुआ है डी ओ सी 60, देखिए इसको भी मिला दीजिए यहाँ और इसको भी मिला दीजिए और बोल रहा है डी ओ सी ये भी एंगल दिया हुआ है 60, बस आपका क्वेश्चन यहाँ तक दिया है, अब आगे आपको बनाना है और आपको क्या पूछ रहा है तो बता दीजिए लंबाई किसका, बी सी की लंबाई, और बी सी है हमारा ये, बी सी मेरा ये है, बीसी मेरा ये है, ये लंबाई पूछ रहा है, बस देखिए कैसे निकलेगा, अब यहां से निकलेगा कि ये और ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस है ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, मतलब अगर ये दोनों इक्वल होगा, समझिएगा बात को, अगर ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये 60 ये 60 ये 60, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, जब ये व्यास है ये डायमीटर है, डायमीटर के साथ ये पूरा एंगल 90 बनता है, 90 में से ये अगर 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समझ में आ रहा है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा का पूरा
जो है राइट एंगल बनता है, तो उसमें से 60 ये 30 है। अब देखिए ये एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा 120, 120 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये कितना है ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि इस एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ भी कितना होता है आपका 180 डिग्री, तो ये जो होगा 120, ये भी 30, ये भी 30। अब देखिए तो जब दो एंगल इक्वल होगा तो दो साइड भी इक्वल होगा, तो कौन कौन सा साइड होगा, ये एंगल ये और ये एंगल इक्वल है, तो ये वाला साइड बराबर ये साइड, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और यही BC आपसे पूछ रहा है, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमारा BC का जो वैल्यू मिलेगा वो 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए कहता है इन ए ट्राइंगल ABC पॉइंट D लाइज ऑन AB, त्रिभुज ABC में DAB पर स्थित है, त्रिभुज ABC में DAB पर स्थित है, तो यहां से एक त्रिभुज बनाइए, और बोला है नाम दे दीजिए ABC। D जो है कहां पर है, त्रिभुज ABC में डी जो है ना, डी AB पर स्थित है, डी जो है AB पर स्थित है, और ई और एफ BC पर इस प्रकार स्थित है कि इतना इतना के समानांतर है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए डी जो है यहां पर मान लिया जाए डी होगा, ठीक है, अब कह रहा है कि बी ई और एफ BC पर इस प्रकार है कि DF और AC के समानांतर है। पहले ई ले लीजिए, पहले ई ले लेते हैं, तो एक पहले ई यहां पर आ जाएगा, और दूसरा में एफ ले लेते हैं, यहां पर आ जाएगा। अब यहां से ये बोला है देखिए DF DE के समानांतर, DF जो है नहीं, DF AC के समानांतर है, DF इसको ऐसे मिला दीजिए, और ये AC के समानांतर है, ठीक है, मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। पहले इसी पर काम करते हैं, अगर DF AC के समानांतर है और बोल दिया ये दोनों पैरेलल है, तो मतलब इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, BE बराबर दिया हुआ है 4, BE बराबर 4, और क्या दिया हुआ है CF बराबर 3, ये CF बराबर 3 है, इसको मान लीजिए आप X, और आपका काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा, देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा, और ये दोनों पैरेलल दे दिया है, तो लिख सकते हैं इतना बटा इतना बराबर इतना, ये पूरा और बटा इतना, मतलब मेरे को मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं BD बटा AD बराबर है ना BF बटा FC, ये लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, अब ये लिख दिए, अब दूसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि DEAF के पैरेलल है, DE एक अलग अलग लाइन खींची, DE जो है AF के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, DE जो है ये और ये पैरेलल है। अब अगला कंडीशन में फिर से बोलेंगे क्या कि इतना बटा इतना, यानी क्या हो जाएगा BD बटा DA, तो देखिए BD बटा DA बराबर क्या होगा AE BE बटा EF, इसी के इक्वल में लिख देंगे BE बटा EF, क्यों, क्योंकि ये थ्योरी कहता है कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, क्योंकि ये वाला त्रिभुज अब समरूप हो जाए, ये वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज ये समरूप होगा, ठीक है, बस बन गया आपका क्वेश्चन। BE का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, BE का वैल्यू 4, FC का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं सॉरी BF का वैल्यू, BF का वैल्यू दिया हुआ है 4 प्लस x, और FC का वैल्यू दिया हुआ है 3, फिर BE का वैल्यू दिया हुआ है 4, और EF का वैल्यू दिया हुआ है देखिए 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 4 तिया 12, और यहाँ से आ जाएगा इतना,
अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस बारह बराबर जीरो। आप इसको तोड़िए तो एक्स का जो वैल्यू मिल जाएगा मुझे टू मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा टू। आप देख लीजिए दो का स्क्वायर चार और दो दो दूना चार बारह आ गया, एक्स का वैल्यू मुझे टू मिल गया और यही एक्स का वैल्यू पूछ रहा था। देखिए ऑप्शन नंबर सी, एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, बोल रहा था ई एफ की लंबाई, ई एफ की लंबाई एक्स है। इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है तो क्वेश्चन समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और आपको इजी में बनेगा, समझाने में इतना टाइम जरूर लगता है लेकिन इजी में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इंग्लिश पर लिखा आ रहा है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। देखिए इसे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं पहले, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल को कहते हैं। BC पर D एक पॉइंट है, नाम दे दीजिए A B C। BC पर एक पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है BD इक्वल टू वन और ये BD, यहाँ D पॉइंट है, इसका वैल्यू वन दिया हुआ है, इसका पूरे का वैल्यू टू दिया हुआ है क्योंकि पूरा BC का वैल्यू थ्री। तो हम इसको मान सकते हैं, अगर मुझे मानना होगा हम पूरा साइड को मान लेते हैं सिक्स एक्स, क्या मान सकते हैं सिक्स एक्स पूरा साइड को मान लेते हैं। समझिएगा तो सिक्स एक्स को अगर दो भाग में बांटते हैं तो पहला आ जाएगा वन यानी ये टू एक्स आएगा और ये पूरा का पूरा कितना आएगा फोर एक्स, ये क्या आएगा फोर एक्स। ठीक है, पूरा सिक्स एक्स माने, ये भी सिक्स एक्स, ये भी सिक्स एक्स, ये भी सिक्स एक्स, मतलब ये दो अनुपात एक अनुपात तीन में बट रहा तो मतलब ये कितना आएगा दो और ये पूरा चार। अब बोला हमने क्या किया, इस पर से एक परपेंडिकुलर भी डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3x, ठीक है समझ रहे, और यहाँ से यहाँ तक 3x, ये भी पूरा 3x, तो यहाँ से यहाँ तक 2x, तो ये वाला कितना आएगा पार्ट x, और परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, क्या बनता है 90 डिग्री। अब समझिएगा, अब हम इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या पढ़े हैं कि रूट थ्री बाई टू आई इंटू साइड, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू आई इंटू साइड, साइड कितना है सिक्स ए सिक्स एक्स, ये आ जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन में जो और कुछ दिया हुआ है, ये लिखा है फाइव रूट सेवन सेंटीमीटर एडी का वैल्यू, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है फाइव रूट सेवन, फाइव रूट सेवन सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की भुजा निकालना है यानी आपको सिक्स एक्स निकालना है। तो अब यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी मालूम ये भी मालूम ये भी मालूम, तो नहीं निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइव रूट सेवन का स्क्वायर, फाइव रूट सेवन का होता है पच्चीस गुना सात, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तीन से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा ट्वेंटी एट एक्स स्क्वायर। अब यहां से हमको अगर कटाना रहेगा तो सात चौका अट्ठाईस आ जाएगा और ये एक्स इक्वल टू आ जाएगा पाँच पच्चीस बटा चार, पच्चीस बटा चार को हम लोग बोलते हैं पाँच बटा दो, एक्स का जो वैल्यू मिल जाएगा मुझे फाइव बाई टू मिल जाएगा, लेकिन मुझे फाइव बाई टू नहीं चाहिए, मुझे क्या एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिक्स एक्स का वैल्यू। तो हम सिक्स एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा थ्री बार में और पाँच दिया पंद्रह, ये आ जाएगा मेरा सिक्स एक्स का वैल्यू फिफ्टीन, सिक्स एक्स का वैल्यू फिफ्टीन मिल जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा क्या है त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, तो त्रिभुज की भुजा 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आराम से समझने का चीज है, हड़बड़ाने का चीज नहीं है, अगर हड़बड़ा के समझिएगा तो आपको दिक्कत होगा। आगे बढ़ा जाए, दो क्वेश्चन और आज का। AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल सी एंड डी, आगे बढ़ा जाए इसको मिटा दिया जाए। कहता है AB एक वृत्त का व्यास है, बिंदु सी और डी व्यास
एबी के विपरीत पक्षों पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, एक फिगर बनाया जाए। कहता है एबी एक वृत्त पर एक व्यास है, ठीक है, सी और डी जो है दो पॉइंट, यहां से इसको मान लीजिए एबी है, और क्या कह रहा है, सी और डी व्यास एबी के विपरीत अक्ष पर कहीं पर कोई पॉइंट ले लिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पर सी होगा तो यहाँ पर कहीं डी मान लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है ए सी डी का जो वैल्यू है, ए सी डी का वैल्यू 25 दिया हुआ है। ए सी डी देखिए, ए सी और डी ये दिया हुआ है 25। ठीक, कहता है ई जो है लघु चाप बी डी पर स्थित है, बी डी के पॉइंट पर कहीं पर एक जगह ई है। आ गया, बचाया। वो क्वेश्चन में अभी नहीं लाए, बोलिएगा चार हैं ले। इसी में देखिए ना होगा, ठीक है। आपसे पूछ दिया हुआ है ई जो है बी डी का जो है ना छोटा जगह पर है, तो पूछ रहा है कौन सा है, ये और ये वाला से पूछ रहा है। देखिए लास्ट में पूछा बी ई डी का क्षेत्रफल, सॉरी एंगल बी ई डी, ये बी ई डी इसका एंगल कितना होगा। बहुत आसान है, एकदम इजी से बनेगा। कैसे, आप देखिए, अगर ये एंगल मेरा को मालूम चल जाए तो ये एंगल भी मालूम चल जाएगा। तो कैसे मालूम चलेगा, ये देखिए 25 है, ये और ये बराबर होता है तो ये भी 25 होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी रेडियस है, रेडियस तो नहीं है, सेंटर से तो नहीं जा रहा, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं कुछ लिखा है ना। सी एन डी व्यास ए बी के विपरीत अक्षों पर है, एंगल ए सी डी बराबर 25। अगर ये एंगल देखिए, यहां से जो एंगल बन रहेगा ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, ये से कह सकते हैं इस जीवा के द्वारा बनने वाला कोण यहाँ पर 25, इसी जीवा द्वारा बनने वाला यहाँ पर, ये भी नहीं हो सकता, ये सेंटर से क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, ये लिखा लिखना होगा यहाँ पर, सेंटर से क्रॉस करना चाहिए, ये 25 और ये 25 हो जाता तो 25 25 50 ये 130 डिग्री होता, तो ये भी 130 डिग्री होता। ठीक है, ये 25 ये 25 और ये तो 130, 180 डिग्री होता है एक दोनों, तो ये 130 तो ये भी 130। अब ये एंगल निकालना है तो ये दोनों एंगल का क्या होता है जोड़, देखिए क्या होता है, इस एंगल को का जोड़ प्लस इस एंगल के आधा का जोड़, इस एंगल के आधा का जोड़ मतलब इस एंगल और इस एंगल के आधा का जोड़ मतलब इसको पूरा और इसको आधा का जोड़ बराबर होता है 180 डिग्री। अब यहां से x इक्वल टू निकालेंगे तो इसका होता है 65। अब यहां से 65 इधर घट जाएगा, 180 माइनस कितना 65 बराबर 115 डिग्री, 115 डिग्री, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 115 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, टाइम काफी हो गया हम लोग पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ाया गया है कि इस ये जो एंगल है और इस एंगल को ऐड करेंगे ये दोनों एंगल को, तो ये एंगल और इसका हाफ आधा एंगल को ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री के बराबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर ई पर मिलता है। एक फिगर बनाते हैं, ये ऐसे आगे आगे मिल जाएगा, बहुत खतरनाक मिला।
क्वेश्चन देखिए कह रहा है एबीसीडी की भुजाएं, एबी को आगे बढ़ाया जाए, एबी को आगे बढ़ाइए और ये सीडी है, फिर डीसी को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पर मिल रहा है वो कौन सा पॉइंट है, ई e. ई e पॉइंट पर मिल रहा है, और कौन सा एडी और बीसी को, एडी को भी बढ़ाइए और बीसी को बढ़ाइए तो कहां पर मिल रहा है, एफ पर, और दोनों में से कोई एक एंगल दिया हुआ, ये दिया हुआ एडीसी 78, एडीसी 70, ए दिया हुआ 78 और आपसे 52 दिया हुआ है, बीईसी, बीईसी ये एंगल होता है, ये 52, ये एंगल दिया हुआ है 52, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है तो एंगल एएफबी, ये एंगल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आंसर आ जाएगा, ये एंगल 52 है और ये एक ट्रायंगल है, समझिएगा ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये 72, 78 और ये 52, दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो एंगल होगा तीसरा एंगल निकल जाएगा, ये दोनों को ऐड करने के बाद 180 से घटाएंगे तो 78 और 52 को ऐड किया जाए तो 130 आ जाएगा, यहाँ से 7 और 6 13 130 होता है और इसको घटाएंगे 180 से तो ये 50 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, जैसे ये 78 है और ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो ये अगर ये 180 डिग्री होता है तो ये 102 डिग्री हो जाएगा, दोनों का जोड़ 180 तो 102। अब अगर इसको हम एक समान लेते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल में तीनों कोणों का योगफल फिर से आ जाएगा आपका कितना, 180, मतलब x प्लस 50 प्लस 102 बराबर 180। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और 152 घट जाएगा, 28 आ जाएगा हमारा आंसर x का, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन CHSL या CGL में ही पूछा गया है, सारा ये इस सब क्वेश्चन CGL में पूछा जा चुका है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल बाद।